अब इस दिवाली को बनाइए और भी खास। एस कुमार ट्रेडिंग कंपनी लाया है दिवाली पर महाबचत। अब ई रिक्शा मात्र 1,53,000 और स्कूटी मात्र 50 से 75,000 के बीच। साथ ही नगद भुगतान पर मिलेगा 5,000 से लेकर 10,000 तक का कैश डिस्काउंट। कम डाउन पेमेंट और आसान किस्तों में भी उपलब्ध। तो अब पैसे पेट्रोल में क्यों गवाएं? आज ही आइए इन फ्रंट ऑफ गजमोचर फिलिंग स्टेशन बेढ़ान मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले का ये ग्राम पंचायत सिद्धि खुर्द लगता है और हमारे पीछे आप एक बेल्ट नज़र आ रही होगी। ये कुछ और नहीं, ये रिलायंस का बेल्ट है और ये मतलब रिलायंस पावर प्लांट यहाँ पर मौजूद है और ये शासन कहलाता है, रिलायंस प्रशासन का रिलायंस शासन कहलाता है। और जस्ट इसके उस ओर हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर शासन चौकी पड़ती है और ये शासन का बाजार है। बाजार का नज़ारा भी हम आपको एक बार कैमरे में दिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि इस ओर से प्रशासन के जो चौकी बनाई गई है, शासन चौकी, उधर की ओर रास्ता जाता है। और तो हम जहाँ पर अभी मौजूद है, आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये बाज़ार का माहौल है। पीछे की ओर देखिए, आप दिखाना चाहेंगे हम कैमरा में आपको कि यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई है, पूरा एक मार्केट है। और उसके बाद साथ ही हम आपको ये दिखाएंगे कि आप थोड़ा सा कैमरे को इस ओर घुमाइए और यहाँ पर ज़मीन की ओर कैमरे को थोड़ा सा टर्न करके दिखाएं कि ज़मीन पर जो गंदगी है वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक अलग ही स्तर पर दिखाई दे रही है। चारों ओर सिर्फ गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। हम और भी आगे बढ़ कर आपको दिखाना चाहेंगे। पहले तो देखिए, यहाँ पर जो प्रशासन का जो एक स्टॉपेज रखा गया है, जो यहाँ पर स्टॉप लिखा, इसमें स्टॉप लिखा हुआ है और बैरिगेड रखा गया है, यहाँ पर भी देखिए बराबर गंदगी चारों ओर आलम एकदम जो है वो एकदम सातवें आसमान पर चल रहा है। और आप इस ओर देखिए, यहाँ पर एक तरीके से देखा है तो शासन का भी मतलब रिलायंस पावर प्लांट है, तो एक तरह से रिलायंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर साफ़ सफाई रखी जाए और चारों ओर स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसे देखा जाए तो किताबी और लिखित में देखा जाए तो शासन चौकी की तरफ से न जाने कितना जो पावर प्लांट है, इनकी तरफ से न जाने कितनी ज़्यादा कार्य कराए जाते हैं स्वच्छ भारत को लेकर के। पर हकीकत ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर गंदगी का एक अलग ही आलम आपको देखने को मिलता है। हम यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं कैसे इस गंदगी में रह रहे हैं। इधर आप, इधर इधर कहाँ पे रहते हो? यहीं रहते हो? हाँ। क्या नाम है? अनिल। ये जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, ये हमेशा बराबर ऐसी रहती है? ऐसी रहती। यहाँ पर कोई साफ सफाई करने आता है कि नहीं आता है? कभी कोई पता नहीं, पता नहीं है कि आपने कभी देखा है अपने नज़र के सामने? नहीं देखा। चलिए, तो यहाँ पे आपके सरपंच होंगे, यहाँ पे पंचायत के सरपंच होंगे? होंगे, आए ना वहाँ पे। क्या नाम है, नाम जानते हैं? चलिए, तो मतलब जैसा कि ये हमसे कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी निकालेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा गंदगी है वो क्यों है। यहाँ पर देखिए कुछ दुकानदार भी हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो इतनी गंदगी है क्यों है। क्यों भैया, आपका दुकान है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? राजन कुमार। ये बताइए, आपके क्षेत्र में जहाँ तक हम लोग की नज़र जा रही है, चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है और एक तरफ रिलायंस का पावर प्लांट भी मौजूद है, तो क्या यहाँ पर क्या है, मामला क्या है इसके सफाई को लेकर के? सफाई के लिए मामला क्या है? इतनी ज़्यादा गंदगी के बीच आप लोग रह रहे हैं तो ये क्या है, कभी साफ नहीं होता है? सफाई कौन करवाए यहाँ? तो मतलब यहाँ पर ठेका तो होता होगा ना, सरपंच होंगे, उनके अंदर में भी आता होगा स्वच्छता का लेकर? ठेका तो है ही है यहाँ। तो वही चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि सफाई कभी नहीं होती है कि ऐसा? ओए मुन्ना, वो बताएंगे सही से, वो बताएंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या है और क्यों यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। लोग न जाने क्यों किस चीज़ से डर रहे हैं और किस चीज़ की वजह से लोग पीछे हट रहे हैं। हम और भी लोगों से जुड़ना चाहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो गंदगी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है और सफाई के मामले में ये इतना ज़्यादा पीछे क्यों है। जो एक तरह देखा जाए तो पावर प्लांट संचालित है यहाँ पर, तो पावर प्लांट संचालित है तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आ रही है। हम और भी लोगों से थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। क्यों, अच्छा आप यहीं पर रहते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? केरा में। तो यहाँ पर आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए? हाँ, सामान बैठन गए थे। ये बताइए, यहाँ पर आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, आप लोग आते हैं आप लोग देखते हैं गंदगी यहाँ पर? देख, गंदगी तो हमेशा रहती है, इतना साफ सफाई नहीं होता यहाँ पर कभी? नहीं। क्या बताए, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जब आते हैं तो बस ऐसे ही देखते हैं, कभी साफ सफाई नहीं देखी यहाँ पर? सफाई भाई हो तो ना अच्छा है, गंदगी नहीं फैलेगी।
चलिए ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सफाई को लेकर के कुछ लोग का कहना है कि सफाई होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी किसको पसंद है यहाँ पर, और साफ़ सफाई रहेगी तो उनको आने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को यहाँ पर रुकने में भी अच्छा लगेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, पर लोग यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है। हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरे को जूम करके दिखाइए, देखिए जहाँ पर ऑटो खड़ा है चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। हम ऑटो संचालित लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जो लोग यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, कि आखिरकार मामला क्या है। क्यों भैया आप लोग ऑटो यहीं पर चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं यहाँ पर, जो चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही है, ये बराबर ऐसी ही रहती है कि कभी साफ़ सफाई भी होता है? एक बार देखिए, नहीं हम जहाँ तक देख पा रहे हैं हमको तो चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही दिखाई दे रही है। तो आप लोग यहाँ पर ऑटो चलाते हैं तो आप लोग को ज़्यादा जानकारी होगी कि कब साफ होता है कब नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कभी यहाँ पर साफ सफाई होते हुए? तो वो कल हो गया, साफ सफाई नहीं होता है यहाँ पे, नहीं होता है साफ सफाई होता है, इतना गंदगी रहती है यहाँ पर। यहाँ पर किसी का ठेका तो होगा ना साफ सफाई का? साफ सफाई का ठेका नहीं है, पता नहीं, साफ सफाई करते ही नहीं तो कहाँ पता चलेगा, मतलब कभी होती ही नहीं है, साफ नहीं होती। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि लोगों का कहना साफ है कि ठेकेदार को तो तब जानेंगे जब कभी साफ़ सफाई होगी, तो मतलब इतना ज़्यादा गंदगी के बीच लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सरपंच है यहाँ पर, पंच है, उसके बाद सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रिलायंस का पावर प्लांट है, रिलायंस चाहे तो वो भी अपनी साफ सफाई करवा सकता है, और सरपंच के अंडर में भी इतनी मतलब उनको लिबरल दी जाती है कि वो भी साफ़ सफाई कराए यहाँ पर करा सकते हैं, ठेकेदारों की तरफ भी ठेका होता है। तो सिर्फ ये कागज़ के पन्नों में एक तरीके से देखा जाए तो स्वच्छता जो है वो के पन्नों में बन करके रह गई है, और सफाई के नाम पर यहाँ पर जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और पैसे का जो आवागमन है वो पूरा का पूरा दो नंबर में चला जा रहा है, पैसा तो कहीं सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। कैमरामैन अमित के साथ शमशीर आलम, पोलखोल न्यूज़। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।